तो बहुत से लोग अक्सर मुझसे एक सवाल पूछते आ रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, व्लॉगिंग के बारे में थोड़ा बताओ, व्लॉगिंग सेटअप को लेके बताओ, व्लॉगिंग कैसे करें ये बताओ। और उसके साथ हमेशा एक और चीज़ एडेड रहती है कि स्मार्टफोन से कैसे व्लॉगिंग करें, स्मार्टफोन के व्लॉगिंग सेटअप के बारे में बताओ, स्मार्टफोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यही कवर करने वाले हैं, कैसे आप लोग स्मार्टफोन से व्लॉगिंग कर सकते हो। एक अच्छा व्लॉगिंग सेटअप भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ टिप्स भी दूंगा अपने एंड से जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और एक और मैं आपको फैक्ट की चीज़ और बता दूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, आई होप आपको पता हो ना पता हो। आज के टाइम पे जो इंडिया का सबसे नंबर वन ब्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम है सौरभ जोशी व्लॉग्स, उन्होंने अपना चैनल 12 मिलियन तक सिर्फ एक आईफोन से रन किया। आईफोन के कैमरे से उन्होंने व्लॉग शूट करें, अपलोड करें, ये सब चीज़ें करिए। और कुछ लोग बोलेंगे आईफोन का कैमरा तो अच्छा होता है, तो उससे भी पहले उनके पास एक रियलमी डिवाइस है, एक एंड्रॉइड डिवाइस है, उन्होंने उससे शूट किया, फिर उसके बाद आईफोन पर शिफ्ट किया, फिर 12 मिलियन के बाद जाकर उन्होंने सोनी का कैमरा बाय किया और आज के टाइम पर इंडिया का नंबर वन व्लॉग चैनल है। तो वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। देखने का वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अभी सबसे पहले मैं आपके साथ तीन चीजें शेयर कर दूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए स्मार्टफोन से व्लॉगिंग करने से पहले। सबसे पहली चीज आती है आपके स्मार्टफोन के अंदर अगर वाइड एंगल लेंस है तो वो बहुत ज्यादा बेटर है। अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, यहां पर ये मेरा स्मार्टफोन है, ये आईफोन है, ठीक है। अभी अब जो वीडियो ये शूट हो रही है ये नॉर्मल मोड पे शूट हो रही है, 1x पे शूट हो रही है और ये बहुत ज्यादा क्रॉप्ड इन है, मेरा फेस ज्यादा नजर आ रहा होगा कैमरे के अंदर और बाकी की चीजें ज्यादा नजर नहीं आएंगी क्योंकि ज्यादा वाइड नहीं है। अभी अगर मैं इसको वाइड एंगल पे शिफ्ट कर दूं, ये मैंने इसे वाइड एंगल पे शिफ्ट कर दिया, अब देख सकते हो कितनी ज्यादा वाइड हो रही है चीजें, मुझे आसपास का एरिया भी नजर आ रहा है, मैं चल रहा हूं, मैं वॉक कर रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं लोगों से मिल रहा हूं, वो सब चीजें भी नजर आएगी व्लॉग के अंदर और व्यूअर एक देखने वाले का एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये चीजें होती है अगर आपका स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, वाइड एंगल लेंस है तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। दूसरी चीज हमारी आती है कि आप अपने स्मार्टफोन का हमेशा रियर कैमरा यूज करो, मतलब पीछे का कैमरा है इसको यूज करो, फ्रंट कैमरा यूज मत करना, फ्रंट कैमरा की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है अगर कंपेयर करें उसे रियर कैमरा से, पीछे के कैमरा से। रियर कैमरा में क्वालिटी अच्छी आएगी, लो लाइट क्वालिटी भी अच्छी होगी, स्टेबलाइजेशन भी अच्छा होगा, 4K भी सपोर्ट करेगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होंगी जो पीछे के कैमरा में, रियर कैमरा में हमारी बेटर रहती है कंपेयर टू फ्रंट कैमरा। तो रियर कैमरा शूट करो वो ज़्यादा अच्छा है। थर्ड चीज़ हमारी आती है 4K की हमने बात करी, तो आप 4K पे भी शूट कर सकते हो और मैं सजेस्ट करूंगा 4K पे शूट करो। 4K पे शूट करने के दो इंपॉर्टेंट फायदे जो मुझे नजर आते हैं। सबसे पहला फायदा ये, आजकल ज्यादातर लोग टेलीविजन में व्लॉग देखते हैं, कई बार मेरे फ्रेंड्स लोगों के जानने वाले हैं वो टीवी में व्लॉग देखते हैं और टीवी ज्यादातर 4K सपोर्ट करते हैं आजकल। अगर आप 4K में उनको क्वालिटी दो, 4K क्वालिटी दोगे उनको व्लॉग्स की तो ज्यादा बेटर है, उनको और अच्छा लगेगा, उनका एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर होगा। तो 4K कर सकते हो तो करो। दूसरी चीज, एक और फायदा आता है 4K का जो मुझे हमेशा नजर आता है वो ये, अभी मैं ये वीडियो 4K पे शूट कर रहा हूं, अभी मैं थोड़ा क्रॉपिंग कर रहा हूं या फिर वापस स्केल आउट कर रहा हूँ, स्केल इन कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, अगर मैं यही HD में करूँगा, जूम करूँगा तो वहाँ पे क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, अगर 4K में करूँगा तो इतना डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। तो अगर आप व्लॉग पे 4K शूट करोगे और आपको कोई पार्ट क्रॉप इन करना है, नहीं दिखाना है कोई पार्ट पर्टिकुलर जगह, क्रॉप कर सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा 4K में। ये फायदा है, बस एक डाउन साइड ये कि आपकी फाइल साइज़ बढ़ जाएगा। तो 4K पे कर सकते हो तो करो, मैं सजेस्ट यही करूँगा। अभी हम लोग बात करते हैं कुछ इक्विपमेंट्स को लेकर। अगर आप व्लॉग शूट करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है और वो वैल्यू फॉर मनी ऐसी चीजें क्या है जो मैंने खुद से बाय करी है, यूज करी है और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आती है व्लॉग करने वाले, तो ट्राइपॉड। ट्राइपॉड बहुत ज्यादा जरूरी है, मिनी ट्राइपॉड, खासकर बड़े ट्राइपॉड की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। कई लोग क्या करते हैं, फोन से नॉर्मल शूट करते हैं, ऐसे बैग दिखाते हैं, हाथ से पकड़ के कर लेते हैं, मैं भी वही चीज करता हूं, लेकिन एक ट्राइपॉड भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप व्लॉगिंग में आगे करना चाहते हो, क्योंकि अलग अलग टाइप के शॉट होते हैं। उस शॉट में आप कैमरे के आगे रहोगे, थोड़ा दूर रहोगे, लैंडस्केप में रहोगे, तो वहां पर आपको एक ट्राइपॉड की जरूरत है। आप कई बार अकेले शूट करने जाते हो, एक ट्राइपॉड की जरूरत है। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो एक मिनी ट्राइपॉड है। इससे वैसे डिजिटेक का भी ट्राइपॉड है, उसका मैंने रिव्यू करा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका भी डाल दूंगा। ये उलानजी का ट्राइपॉड है, ये थोड़ा कॉस्टली है, 1000 रुपीज़ के अराउंड है शायद, बट इसमें एक बॉल हेड मिलता है और इसके बाद इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेग्स देख सकते हो, वैसे जॉबी का जैसे आता था वैसे वाला ट्राइपॉड है थोड़ा। और भी इसमें कुछ फीचर्स है, आप इसके ऊपर माइक अटैच कर सकते हो, लाइट अटैच कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो मैंने करी है। दोनों ट्राइपॉड के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप दोनों में से कोई चेकआउट कर सकते हो। तो ट्राइपॉड की हम लोगों ने बात कर ली। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है एक माइक्रोफोन। माइक्रोफोन वैसे कहीं लोगों की स्मार्टफोन की क्वालिटी अच्छी होगी, मेरे माइक की स्मार्टफोन की माइक की क्वालिटी ठीक है, ठीक है, मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है व्लॉग्स करते वक्त ऐसे अलग से एक माइक्रोफोन लेने की, लेकिन कहीं लोगों की माइक्रोफोन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। और मैं भी यही सजेस्ट करूंगा, एक माइक्रोफोन अपनी जगह है, अलग से एक्सटर्नल माइक्रोफोन अपनी जगह है और एक स्मार्टफोन का माइक अपनी जगह है, ये बहुत ज्यादा बेटर क्वालिटी देगा कंपेयर टू दिस वन। क्योंकि व्लॉग्स में क्या होता है, फोन दूर रहता है और ये माइक क्या है, डायरेक्शनल माइक है और ये ठीक आपके फेस की तरफ, आपकी
तरफ डायरेक्शन करके आप बोलोगे तो अच्छे से ऑडियो की क्वालिटी रिकॉर्ड होगी। वीडियो की क्वालिटी अगर फिर भी आपकी स्मार्टफोन की अच्छी नहीं है, ऑडियो की क्वालिटी आपने बेटर कर दी तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, देखने वाले को अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ अब मैं क्या करता हूँ, ये ऐसे माइक्रोफोन है, ये बोया वीवा MM1 माइक है, ये शायद आज से मैंने 1 या 2 साल पहले बाय किया था और ये अभी तक सही चल रहा है, अच्छा खासा माइक्रोफोन है और सिर्फ 1500 रुपीज़ का माइक्रोफोन है। मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है बट अच्छा माइक्रोफोन है, रिव्यू किया है मैंने, इसका कंपेयर भी किया है इसे। अगर आप इसका देखना चाहते हो ऑडियो क्वालिटी तो मैं ऊपर आई बटन में वीडियो डाल दूंगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इसको बाय कर सकते हो, इसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये हमारा प्रॉपर एक अच्छा व्लॉगिंग सेटअप बन चुका है, अब इसके आगे आपको ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं है, स्टार्ट करने के लिए ये परफेक्ट व्लॉगिंग सेटअप है। अगर फिर भी आप कुछ चीज़ें चाहते हो लेना तो 2 चीज़ें मैं आपको और सजेस्ट कर सकता हूँ। व्लॉगिंग में ये चीज़ अक्सर होती है कि हमें कई बार ऐसी जगह पर जाना पड़ता है जहाँ पर लो लाइट है, कई बार ऐसी जगह पर जाना पड़ता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है, तो लो लाइट का सॉल्यूशन तो ये कि आप एक पोर्टेबल लाइट रख सकते हो, एक छोटी मिनी लाइट आती है और मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो उलानजी की लाइट आती है, RGB लाइट आती है और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, वो लिंक वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक पोर्टेबल लाइट आप ले सकते हो। नेक्स्ट और हमारी लास्ट चीज़ जो आती है जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ अगर आप सच में लेना चाहते हो और बेटर और अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स बाय करना चाहते हो व्लॉगिंग के लिए आगे जाके, तो एक गिम्बल। अभी ये बहुत ज़्यादा बड़ा गिम्बल है और ये स्मार्टफोन का गिम्बल नहीं है, ये कैमरे का गिम्बल है। मेरे पे स्मार्टफोन का गिम्बल था, मैंने बेच दिया और ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैंने बस रखा हुआ है, शायद मैंने इसको एक ही बार यूज़ किया आज तक लाइफ में, बट जो व्लॉगर्स हैं उनके बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अब क्या होता है, ए रोल होता है जहाँ पर आप नॉर्मल व्लॉग में बात कर रहे हो, एक पार्ट होता है बी रोल जहाँ पर आप जो कर रहे हो वो चीज़ें दिखा रहे हो, वहाँ पर आपका ये चीज़ बहुत काम आएगी शॉट लेने के लिए। अगर आप उस चीज़ में ज़्यादा घुसना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन डे टू डे व्लॉगिंग करोगे, रोज़ व्लॉगिंग कर रहे हो तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा काम नहीं आएगी, गिम्बल आपके इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा। लेकिन आप प्रॉपर अगर सिनेमेटोग्राफी अच्छी करना चाहते हो, अच्छे बी रोल देना चाहते हो, हाई क्वालिटी कंटेंट देना चाहते हो, तब आपके गिम्बल काम आ सकता है। DJI का गिम्बल है, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, ये भी DJI का है, अच्छी क्वालिटी रहती है, अच्छी कंपनी है, बहुत पॉपुलर कंपनी है, बोलना क्या है, सबके लिंक नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे आपको। तो ये था हमारा एक प्रॉपर स्मार्टफोन ब्लॉगिंग सेटअप, इसमें बस लाइट ही कमी है, वो मेरे पीछे लगी आपको ब्लू लाइट जो नजर आ रही होगी। तो ये हमारा प्रॉपर स्मार्टफोन व्लॉगिंग सेटअप है। अगर आप इसके अलावा एक और व्लॉगिंग सेटअप देखना चाहते हो जो होगा GoPro व्लॉगिंग सेटअप देखना चाहते हो तो उसके लिए नीचे जरूर कमेंट करना, मैं इसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाऊंगा कैसे आप एक GoPro से अच्छे से व्लॉग शूट कर सकते हो। और अगर बात करें कुछ ऐसी चीज़ें कि शूट करते वक्त चीज़ें की वो एक्सपोजर ये सब चीज़ों का, तो इसके ऊपर मैं जरूर कॉन्टेंट बनाऊंगा। अभी फिलहाल हमने सेटअप बता दिया एक अच्छा स्मार्टफोन व्लॉगिंग सेटअप और इसके ऊपर चाहिए तो कमेंट बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।